आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, 14 वर्ष जैसे आपने सवाल किया, आज 14 वर्ष कैसे निकल गया मुझे खुद को पता नहीं। इसके लिए मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी समाज को और ख़ास करके मीडिया को, सभी को धन्यवाद देता हूं। इतने लंबे सफ़र में सभी का सहयोग मिला, साथ मिला, तभी मैंने सफ़र तय कर पाया। दूसरी बात रहा, ये एक जूरी बेस्ड अवार्ड है, मैंने जिसकी शुरुआत दिलीप साहब, सायरा बानो जी, गोविंदा जी के कर कमलों द्वारा हुआ और आज ये निरंतर 14वें वर्ष में हम प्रवेश कर पाए हैं। और बहुत उतार चढ़ाव हमने जीवन में देखा है, दो दो बार बरसात हुई, लेकिन फिर भी मैंने एक महीने के बाद सेम डेट में भी हमने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी संघर्ष की बात थी हमारे लिए। हमारे इंडस्ट्री में न तो कोई चैनल था, न तो कोई कुछ खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लिखता था। आज 2007 से हमने एक प्रयास किया। व्यापारी देखिए तभी आता है जब उसको व्यापार करने का मौका मिलता है। हमने जंगल को काटा दोस्तों के सहयोग से और रोड और रास्ता बनाया तो व्यापारी आए और आज खुशी होती है। हमारी इंडस्ट्री में 10-12 चैनल हो गए भोजपुरी के और बहुत सारी चीज़ मीडिया, डिजिटल मीडिया आज इतनी बड़ी तेज़ी से हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, ये सब गौरव की बात है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, हमारे कमेटी के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सपोर्टरों के लिए क्या हो सकता है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात दो दो तीन तीन जो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, भोजपुरी समाज का, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बात को रखने के लिए बहुत गौरव की बात है, ये दूसरी उपलब्धि है। तो सारा कहीं ना कहीं एक श्रेय भोजपुरी फिल्म अवार्ड को जाता है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म अवार्ड के माध्यम से पूरी दुनिया भोजपुरी इंडस्ट्री को जाना, पहचाना। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 1962 में निर्माण इसका शुरू हुआ था, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने नींव रखी, जिसमें विश्वनाथ सहवादी जी प्रथम इसके निर्माता रहे, नज़ीर हुसैन साहब, कुमकुम जी जैसे शख्सियत इस चीज़ को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया, मैं उनका ऋणी हूँ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को उनका ऋणी रहना चाहिए। उन्होंने जो पेड़ लगाया था उसको मैं बड वृक्ष बनाने का काम कर रहा हूँ, ये ऐसा हमारा प्रयास है, ये मेरी एक अपनी सोच है और आगे निरंतर मैं करता रहूँगा जब तक मुझसे हो सकेगा, मैं करता रहूँगा, नहीं कहीं ना कहीं मेरे बाद मेरी कमेटी के लोग इस चीज़ को करते रहेंगे आप लोग के सहयोग से। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं किया। हमने हमेशा हमारे मंच में हर समाज के, हर वर्ग के और हर पार्टी के लोगों को बुलाया। हमारे यहाँ देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, प्रतिवर्ष आते हैं। बिहार के अध्यक्ष हैं, थर्ड टाइम वो पार्लियामेंट मेंबर हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े मिनिस्टर श्री सुबोध कांत सहाय जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी होम मिनिस्टर थे, और साउथ के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता बी के हरिप्रसाद जी, कृपा शंकर सिंह जी, तमाम शख्सियत हमेशा हमें सपोर्ट करी हैं और हमेशा एक फोन पे भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे प्रयास को बढ़ावा देने के लिए आए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे मंच पे रहे हैं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें मतलब है भोजपुरी फिल्म जगत कैसे बढ़े, कैसे रोजगार उपलब्ध हो, कैसे हमारी भाषा संस्कृति का सम्मान बढ़े, हमारा ये प्रयास होता है, हम अदर चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो इस मंच पर भोजपुरी अवार्ड में किस किस कैटेगरी में ये अवार्ड सम्मानित किया जाता है, कौन कौन ये डिसाइड करता है कि किसे इस बार, इस साल, इस अवार्ड के काबिल कौन है, इस अवार्ड के, ये अवार्ड हमें किसे देना चाहिए? एक हमारी जूरी कमेटी होती है और सर्वप्रथम फिल्मों का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, 3 महीना पहले हम घोषणा करते हैं डेट और वेन्यू का, इसके बाद प्रोसीजर शुरू होता है। जैसे पूरी दुनिया का अवार्ड है सिस्टम का, वही सिस्टम का मेरा अवार्ड है। यहाँ कोई खरीद फरोख्त नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं, पूरी इंडस्ट्री जानती है और उस इंडस्ट्री मुझे उस चीज़ के लिए रिगार्ड्स भी करती है। बहुत सारे हमने जीवन में देखा है, बड़े बड़े लोग आए खरीदने के लिए, बहुत सारी बातें भी आई, लेकिन कभी हमने अपने को विचलित नहीं होने दिया और अपने सिस्टम में इस चीज़ को प्रयास किया। जूरी कमेटी देखती है अगर जैसे कि अभी 14 फिल्में अभी रजिस्ट्रेशन में, सॉरी 14 फिल्में नॉमिनेशन में हैं, बहुत सारी फिल्में समय से नहीं आई तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारी फिल्में आउट हो गई हैं, तो हमारा एक सिस्टम का काम है, सिस्टम से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और कमेटी जो डिसाइड करती है, हमने नॉमिनेशन सारा डिक्लेयर कर दिया है और बाकी अवार्ड किसको मिलेगा मैडम वो तो ग्राउंड में ही पता चलता है, एडिटोरियम में पता चलेगा कि किसे मिल रहा है, वो सस्पेंस होता है।
किसी स्पर्धा को जीतने के लिए दौड़ते 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 सैकड़ों लोगों में से एक आगे जाता है तो उसका आनंद अलग होता है। अभी दौड़ है, रेस है, 14 तारीख को पता चलेगा कौन विजयी होगा। तो जिस तरह से इस मंच पर अवार्ड के साथ साथ किस तरह लाइव परफॉर्मेंस या कोई कोई कार्यक्रम का भी आयोजन देखने को मिलेगा वहाँ की जनता को? जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार खुशी से, मुझे कहना नहीं पड़ता है, ये तो बहुत गौरव की बात है, सारे लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, ये मेरे लिए इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है कि शायद एक कॉल करता हूँ पूरी इंडस्ट्री एक पैर पे खड़ी रहती है, साथ देती, सपोर्ट करती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी कलाकारों का, टेक्नीशियन का, बड़े बड़े एक्टर सामने से सपोर्ट करते हैं। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, हमसे कहते विनोद जी बताइए पास बांटना है, मैं बांटता हूँ, जो सम्मानित लोग हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है मेरे लिए हैं? जो दूसरी जगह जाके बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं वो बैठते हैं लेकिन मेरे यहाँ पास बांटने के लिए तत्पर रहते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग, रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, पवन जी भी हैं, खेसारी भी हैं, दूसरे नए चिंटू पांडे हैं, तो ये एक्टर लोग सारे लोग हैं, सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फीमेल में अमरपाली जी हैं, रानी जी हैं, अंजना जी हैं, सोनालिका है, काजल यादव है, ग्लोरी जी हैं, तमाम, अभी मैं किस किस का नाम गिनाऊं, ये सभी होंगे मौजूद, ये मौजूद है, परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अवधेश मिश्रा जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, मनोज टाइगर जी होस्ट कर रहे हैं, तमाम लोग हैं, मैं बाकी पूरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार मौजूद हैं, किसी कारण बस 2-5% कभी सिचुएशनली नहीं आ पाए तो अलग बात है, बाकी पूरी इंडस्ट्री है। तो पासेस के लिए वहाँ एंट्री के लिए लोगों को किस तरह से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, आपकी कोई वेबसाइट या फिर कोई आपका किस तरह से ले सकते हैं? मेरा प्रयास पहले क्या बहुत बड़े क्राउड के बीच में करता था लेकिन हम अब सीमित इंडस्ट्री के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना चाहता हूँ कि उनके परिवार, वो अपने परिवार के साथ, वो दुनिया को खुश रखते हैं पूरे साल, और कम से कम एक नाइट ऐसा होता है जो अपने परिवार के साथ आके वो खुश रहे, मेरा प्रयास होता है कि उनके लिए, आप लोगों के लिए मैं ये प्रयास करता हूँ कि कम जगह में और इंडस्ट्री के लोग हों और वो एंजॉय करें एक रात में, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और बाकी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके इस अवार्ड को लेकर, जिस तरह से आपने एक शुरुआत की थी लेकिन वो लोगों का प्यार इतना सब कुछ मिला कि कंटिन्यू 14 साल हो गए इसे? जी, वो जनता का ब्लेसिंग, इंडस्ट्री के ब्लेसिंग, और सबसे बड़ी बात है मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, ये मैं अपना मंच कभी नहीं मानता हूँ, मैं ये इसे गॉड द्वारा स्थापित मंच मानता हूँ, और किस परिस्थितियों में मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने कब शुरू किया कब अंत हो गया, ये मैं बहुत सत्य बताता हूँ, मुझे इधर उधर की बातें करने नहीं आता, मैं उसमें विश्वास भी नहीं रखता हूँ, और मैं हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनलों को धन्यवाद देता हूँ, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा के हिंदुस्तान का कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसने फ्रंट पेज पे इसको छापा ना हो, जिसने आधा आधा घंटा दिखाया ना हो, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड है और मैं कोशिश करूँगा कि इस साल उस चीज़ को दिखाऊँ कि किस तरह की मीडिया के लोगों ने, इसके बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे प्रयास में अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रयास बहुत, प्रयास को बहुत फोर्स के साथ धक्का दिया गया तब मैं इस जगह पहुँचा हूँ। अब एक बात और करना चाहो, बिना एंट्री के मेरे यहाँ प्रवेश नहीं होगा, जिसके पास पासेस है वही प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो नहीं। और विनोद जी, अगर अवार्ड के बाद की बात करें, आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसको लेकर आप एज ए निर्माता आने वाले हैं? मैंने एक फिल्म बनाई थी, आप द रिकॉर्ड में सामने नहीं था, एक 50 साल हो गया था, तो मुझे राजकुमार पांडे जी, रवि किशन जी, प्रमोद पांडे भी हैं, छोटा भाई है प्रमोद मेरा, ये लोग ने कहा भैया 50 साल हो गया एक फिल्म बना दो, तो जिसे मैंने ये आपके सामने पीवा बड़ा सतावाला मैंने बनाई थी, 2012 में रिलीज भी किया था, सारे स्टार कास्ट थे, इसके बाद मैंने फिल्म नहीं बनाई, लेकिन 2012 में मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्रयास मुझे और करना चाहिए, ऐसा सोचता हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है, 2020 में प्रयास करूँगा ऐसा सोचता हूँ।